इंडिया की जो मेडल्स है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। क्या कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम यार, कहाँ हमने मुंह नहीं दिखाना किसी को। और बड़ा एक अमेजिंग अचीवमेंट हुआ, वो हुआ इंडिया के तेजस्वी शंकर की तरफ से, जिन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हाई जंप इवेंट इन एथलेटिक्स। और कमाल ये था कि इसका बैकग्राउंड में पढ़ रहा था तो लाइक आई वाज यू नो लाइक आई वाज टोटली अमेज्ड कि यार इस आदमी का कितना विल पावर होगा। के पास जो ट्रेनर होते हैं बेसिकली वो इस्लाम इस्लाम बहुत करते हैं, मुल्क के नाम में भी है घुसाया हुआ, अमलन कहीं नहीं है, असले उनके इस्तेमाल करते, बिजलियां उनकी, जहाज उनके, लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, हालांकि यहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, उनको व्यूज़ चाहिए तो वो इस तरीके की बातें करेंगे फालतू की, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा यार, सीरियसली यार। 2.5 करोड़ की आबादी, दिल्ली से कम वाली आबादी देश, 147 गोल्ड कह रहा हूँ ओवरऑल मेडल के साथ, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे, इंडिया 7th पोजीशन पे, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो मैंने लेटेस्ट देखी है। अब आप जब वीडियो देखेंगे तो शायद कुछ मेडल और ऐड हो जाए, लेकिन बहुत कम है यार, बहुत कम है, बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, बहुत इम्प्रूवमेंट करना है। और ये वीडियो देखें आप, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है, ऑब्वियसली वो तो ऐसी बकवास करेंगे, मुझे तो ये बकवास लग रही है। हालांकि आप देख सकते हैं, ठीक है भारत स्पोर्ट में उतना आगे नहीं है, ये भी एक सच बात है, क्रिकेट ही सबको खा जाता है। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर हम पड़ोसी मुल्क की इंडिया की बात करें तो 4 गोल्ड मेडल्स हो गया बैडमिंटन में भी, अब 4 गोल्ड मेडल्स हो गए इंडिया के नाम बैडमिंटन में भी, एक इंडियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल ले गया भाई अपने मुल्क के लिए। और दूसरे की बात करें हम ब्रॉन्ज मेडल की तो वो 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के नाम है। अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की तो भाई सिल्वर मेडल भी 3 इंडिया के नाम ही है। क्या कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम यार, कहाँ हमने मुंह नहीं दिखाना किसी को। लेकिन साथ ही कल जो है एक और बड़ा एक अमेजिंग अचीवमेंट हुआ, वो हुआ इंडिया के तेजस्वी शंकर की तरफ से, जिन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हाई जंप इवेंट इन एथलेटिक्स। और कमाल ये था कि इसका बैकग्राउंड में पढ़ रहा था तो लाइक आई वाज यू नो लाइक आई वाज टोटली अमेज्ड कि यार इस आदमी का कितना विल पावर होगा कि जो स्टोरी मैंने पढ़ी कि इसको जो है ही इज़ अ नेशनल हाई जंप चैंपियन इन इंडिया, इसको नहीं इनिशियली सेलेक्ट किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स स्क्वाड में इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने। उसकी वजह ये थी कि ही वाज सपोज टू अपियर इन अ कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफाइंग इवेंट इन इंडिया, ही कुडंट डू दैट बिकॉज ही वाज टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल इवेंट। हालांकि ये नेशनल चैंपियन है, इसका बेस्ट वहाँ रिकॉर्ड है, सब कुछ है, लेकिन इसको ड्रॉप कर दिया गया। इसने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की अगेंस्ट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह, और हाई कोर्ट ने फिर कहा कि जी आप इसको इंक्लूड करें कॉमनवेल्थ गेम्स स्क्वाड में। उस पर भी जो है ये बेचारा नहीं मतलब जा पा रहा था क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने कह दिया कि नहीं जी हम तो आपको मतलब हमारे से तो आप जगह ही नहीं, हम आपको ले ही नहीं सकते। वो इत्तेफाक से 2 इंडियन एथलीट जो थे उनको कोविड वगैरह हुआ, जगह बनी तो इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने इसको भेज दिया। कल देखें वो बंदा हाई जंप में ब्रॉन्ज ले गया। अब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो बड़े जितने लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं उसकी। वन शंकर व्हाट अ स्टोरी है, व्हाट अ इंस्पायरिंग स्टोरी। और आज तो काफ़ी इंडियन एथलीट जो है वो ट्रैक एंड फील्ड में हिस्सा ले रहे हैं, तो शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे फेयर। लेकिन आई टेल यू इवन जो इंडिया की वो जो लॉन बॉल में जो टीम जीती खवातीन की, उनकी भी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, किस तरह से उन्होंने खुद ट्रेनिंग की, पैसों की कमी थी, प्रॉपर उनके पास कोई सेटअप नहीं था, एंड दे वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। सो दीज आर रियली इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड दैट इज़ वाई यू नो मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हर जगह पर। लेकिन लेट्स होप कि आर एथलीट्स कैन डू वेल इन द मतलब नेक्स्ट 2 डेज इन डिफरेंट इवेंट्स। बाकी यार बहुत कुछ है, मतलब एशिया इंडिया की एशिया कप स्क्वाड के ऊपर बहुत बात हो रही है कि इंडिया का एशिया कप स्क्वाड क्या होना चाहिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने तो अनाउंस कर दिया अपना एशिया कप स्क्वाड कल। लेकिन इंडिया का एशिया कप स्क्वाड आई डोंट थिंक इज सच अ बिग मतलब मिस्ट्री, इसलिए क्योंकि तकरीबन 12-13 प्लेयर तो खुद ही अपने आप को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार केएल राहुल और कोहली जब वापस आते हैं तो दे प्री सेलेक्ट देमसेल्व्स, तो 12-13 सिर्फ 2 प्लेयर्स का एक मसला है, 2 स्पॉट्स का मसला है। मेरी नज़र में अगर मैं देखता हूँ इंडिया की स्क्वाड तो बड़ी मेरे सिंपल मेरी जो स्क्वाड है एशिया कप के लिए वो ये है कि इफ केएल राहुल इज़ फिट, उसके ऊपर भी स्पेकुलेशन चल रही हैं कि इसलिए सूर्य कुमार यादव को ओपनिंग कराया गया है इन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ की, शायद केएल के कोई मसले हैं, बट आई डोंट नो कितनी सच्चाई है। लेकिन लेट्स गो विद द अजम्पशन कि केएल होगा टीम में, तो उस हिसाब से तो रोहित, केएल, कोहली, सूर्य कुमार यादव और आपका कैसे बोलते हैं ऋषभ पंत,
ये पांच आपके पक्के हैं, हार्दिक आपका पक्का है, छः हो गया, जडेजा पक्का है, सात हो गया, आपका जो है बुमराह और भुवी नौ हो गया, हर्षल पटेल ले ले दस ले ले, चाहल कर ले तो ये आपके ग्यारह हो गए। तो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आई थिंक सिंपल सी बात है, आई थिंक अर्शदीप सिंह शुड बी सिलेक्टेड एज द फोर्थ पेस बॉलर, क्योंकि वो बंदा कमाल का यार डेथ ओवर्स का बॉलर है, हमने देख लिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, एंड इंडिया नीड टू गुड डेथ बॉलर। इंडिया की जो मेडल्स है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है, जो कि बड़ी अच्छी और शानदार बात है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्थ 900 करोड़, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 900 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी है। हमारे पीएम मोदी साहब हिमसेल्फ मॉनिटर करेंगे सारी इस वर्क की। टारगेट गिवन टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू कंप्लीट द यूनिवर्सिटी जुलाई, यानी कि लेस देन अ ईयर, 900 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी वहां का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। हमारे 25 अरब हो गए, 2500 करोड़ हो गया ना हमारा। यार इनका क्वेश्चन ले ले, गुस्सा करते आते हैं, छोड़ो यार। अच्छा जी, सेकंड बॉक्सिंग मेडल अशोर्ड फॉर इंडिया, मोहम्मद उसामुद्दीन जो है वो सेमीज में 57 किलोग्राम में पहुंच गया, उन्होंने नेम्बिया के जो है तेगान निडवेलो को 4-1 से हराया है। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ साहब, आप साथ साथ हमें अपडेट करते चले जाते हैं। वाजी बहुत ही शानदार बात है भाई, और जो मेडल्स में इजाफा हो रहा है डे आफ्टर डे, और वेट लिफ्टिंग में बड़ी कमाल के जो मेडल्स आए हैं, और अभी तक वो सिलसिला जारी है। ब्रॉन्ज जीता है लवप्रीत सिंह ने, ब्रॉन्ज जीता है। और आपको बताया कि स्काई जो है कल की जो शानदार इनिंग के बाद, ही इज नाउ नंबर रैंक्ड टू, ही इज रैंक्ड एट नंबर टू in ICC, and most probably he has two more innings in this week, he has two more and innings. he can easily overtake he is at number 2 and there are just 2 points difference, do number pe hai, do number ka difference hai aur do match bhi baki hain, to wah wah wah। तो जैसा कि मैंने बोला, क्रिकेट ही सबको खा जाता है, आपको पता है क्रिकेट के अलावा इंडिया में कुछ नहीं चलता, मतलब चलता भी है तो क्या यार, क्रिकेट हर कोई खेलता है, हर कोई देखना चाहता है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरे गेम्स सरकार को आयोजित करते हैं, खेलो इंडिया और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें भी 140 करोड़ आबादी हो गई हमारी लगभग, और उसमें भी हमें प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं, हमें तो कब्जा करना चाहिए यार, ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए कॉमनवेल्थ में, एक भी गेम्स में हमारा प्लेयर मतलब एक ना किसी तीन में से कोई एक मेडल तो लेके आए, ऐसी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। तो 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश नंबर वन पे है, 6-7 करोड़, 6-6.5 करोड़ की आबादी वाला नंबर टू पे, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, फिर कनाडा 3 पे है, अभी की सिचुएशन में मैंने ये देखा इंडिया नंबर 7 पे है, नंबर वन पे आ ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन से पीछे है। तो यार बड़ा दुख लगता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है सीन, कब तक हम यही मतलब 20-25 कॉमनवेल्थ में, वो भी कॉमनवेल्थ आपको पता होगा इसमें वो कंट्रीज़ खेलती हैं जो ब्रिटिश के अंडर में रही हैं, जब ब्रिटिश साम्राज्य था उसके अंडर में रही है वो कंट्री खेलती है, ये कोई एशियन गेम्स नहीं है। एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ से टफ होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स से टफ होता है, आपको पता होगा एशियन गेम्स में चीन आ जाता है, चीन का दबदबा होता है, एशियन गेम्स में ऑस्ट्रेलिया, एशियन कंट्री रहती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा, बाकी यूरोपियन ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, आपको समझ गए होंगे कि एशिया की बात कर रहा हूँ। तो एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ से टफ माना जाता है, क्योंकि ओलंपिक्स का जो सबसे धाकड़ मतलब परफॉर्मर रहता है चीन, वो आ जाता है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के भी यहाँ पर शायद एक गोल्ड और एक सिल्वर है, तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। इंडिया आपको पता होगा अभी जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने लास्ट डे लास्ट मोमेंट पर वो गोल्ड मेडल हासिल किया था, जो कि काफ़ी राहत भरा, नहीं तो हमारे पास इस बार भी गोल्ड ना होता। तो एक एक गोल्ड मेडल के लिए हम ओलंपिक में तरसते हैं, कॉमनवेल्थ में अगर हमारी ये सिचुएशन है तो फिर जो अभी इन्वेस्ट हुआ है, हालांकि इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा बहुत 20 साल से नहीं हुआ है ये इन्वेस्टमेंट, आई थिंक खेलो इंडिया जो सिस्टम है ये 2016-17 के बाद चालू हुआ है, तो उससे ही हमें ये एथलीट मिल रहे हैं, हो सकता है कि इसका हमें रिजल्ट 2030-35 तक मिले, क्योंकि जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको जो नए तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, नए मतलब तरीके से बोलूँगा मैं।